अच्छा तो आज मैं आया हूँ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे हैदराबाद में आर्ट्स यूनिवर्सिटी है और शायद एक अनोखी है जिसमें एक टाइम पे मैं भी फर्स्ट टाइम मैंने एडमिशन लिया था। मैंने एक महीना यहाँ से भी पढ़ा था और मैं यहाँ पे आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में भी था, तो देखा जाए तो ये मेरी एक्स यूनिवर्सिटी है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो कि हालांकि एनसीए से पास आउट हो मगर उनका काम बहुत ही अच्छा है, बेहद अच्छा है, तो उनके हम डिपार्टमेंट आए सर हसन काशी के। तो आज हम आपको डिपार्टमेंट पहले दिखाते हैं, फिर हम सर हसन काशी से बात करेंगे, फिर उनका काम दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ हैं। तालीम जो हासिल की है वो की है अपना नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से। तो उससे पहले मैं कुछ काम दोस्तों से सीखा भी था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक़ बढ़ता गया इस चीज़ का कि यार ये जो एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा, उसको एक और नई चीज़ मिले अपने काम में, तो उसको मज़ीद आगे मैं लेके जाऊँ। वो थ्रू द एजुकेशन ही हो सकता था। तो फिर जाके फिर मैंने एनसीए में जाके मैंने ग्रेजुएशन की थी, और वो बायलक वो मुझे एक लक था मेरे लिए, क्योंकि जिस सिटी से मैं बिलोंग कर रहा था वहाँ पे कुछ डेलीगेशन आया था, वहाँ पे नसरपुर शहर में। तो जो डेलीगेशन आया हुआ था वो बिलोंग कर रहा था नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से। तो वहाँ पे जो डेलीगेशन के जितने भी हजरात थे और मैडम भी थी, तो उन्होंने ये कहा कि यार ये तो काम बड़ा मज़ेदार लड़का कर रहा है, तो इसको क्यों ना अगर हम इसको एजुकेशन लेवल पे लेके आए, एकेडमिक का कोई प्लेटफॉर्म दे, ताकि ये अपने क्राफ्ट वाले काम में मज़ीद कुछ नई चीज़ें प्रोड्यूस भी कर सकता है। तो उसी हवाले से फिर उन लोगों ने मुझे स्कॉलरशिप ऑफ़र की थी एनसीए में। तो स्कॉलरशिप बेस पे फिर मैं 2003 की बेच थी मेरी, तो उसमें फिर मेरी एडमिशन हो गई थी। मैंने ग्रेजुएशन से पहले भी मैंने काफ़ी मेरी अचीवमेंट्स थी, और उसके बाद फिर ड्यूरिंग द स्टडी फिर मुझे वहाँ प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे इंडिया भी भेजा था एक वर्कशॉप कंडक्ट करवाने के लिए, और वो भी एक इंग्लैंड का एक आर्टिस्ट था स्टूडियो पोर्टर मिस्टर ट्रिम एंड्रियो। तो हमने 15 दिन की एक वर्कशॉप भी वहाँ पर कंडक्ट की थी, एक इंटरनेशनल लेवल का एक आर्टिस्ट उसके साथ जूनियर एक बंदा जो कि एजुकेशन कर रहा उसके साथ मिल के एक वर्कशॉप कर रहा हूँ। तो और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा भी था, और एक कॉलेज वालों की तरफ से, क्योंकि उन लोगों ने अपने बिहाफ पे ही मुझे भेजा था, तो फिर मैंने उनको भी रिप्रेजेंट जाके किया था कॉलेज के हिसाब से। उसके अलावा और भी ज़्यादा अचीवमेंट्स ये है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जीबिशंस हो गई,
तो अभी जैसे इंडिया में हमने वर्कशॉप की थी तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी। और इस तरह फिर जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके मैंने एक वर्कशॉप करा थी, फिर मुझे एक कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती गई ना। कोई किसी ने मुझे रेजिडेंसी के लिए इन्वाइट किया था, तो किसी ने मुझे कहा था कि जी आप आगे हमें वर्कशॉप कराएं, तो फिर यानी ये अच्छा एक्सपोजर मिल गया था यानी ड्यूरिंग द एकेडमिक लेवल यानी स्टडी के दौरान, जो मुझे बड़ा अच्छा ये मिला था। और इसके अलावा फिर जो छोटी छोटी जो एग्जीबिशंस वगैरह होती गई तो उसमें मुझे बुलाया गया था स्पेशली कि आप आके एक कल्चर को रिप्रेजेंट करें। तो इसी वाले से फिर मैंने सऊदी अरेबिया, कनाडा वगैरह और यूएसए एम्बेसी में भी मेरा काम रखा हुआ प्रेजेंट अभी तक ना। तो इस्लामाबाद में फॉरेन मिनिस्ट्री में भी कुछ एग्जीबिशंस वगैरह हुई थी जिसमें सारे एम्बेसडर जो भी थे वो आए हुए थे, और वो पॉलिटिशियन जितने भी थे उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। यानी एक महदूद हद तक था अपना ये काम ना क्राफ्ट वाला, लोगों को पता ही नहीं कि यार ये क्या है, चीज़ है क्या, किस तरह। फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो काफ़ी अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म मिले थे वहाँ। क्योंकि ये तो हमारा फोर अपना फैमिली टू फैमिली चलता रहा, क्योंकि हमारे वर्षे में ना ये तो अभी ये काशीकार जो है ना, अब मेरे वालिद साहब वो तो 9th generation पर्सन थे, वो तो अभी इसके अलावा उसके बाद फिर ये मैं खुद ही काम कर रहा हूँ। अब ये काम मैंने कैसे सीखा और कब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब मैं छोटा था तो मैं 5वीं क्लास में था, तो फिर वालिद साहब से मैं पॉकेट मनी लेने के लिए कारखाने में स्टूडियो पर जाया करता था। तो फिर वो वालिद साहब को मैं जब भी देखता था कभी ना कभी मट्टी से कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते रहते थे। तो फिर वो इस तरह फिर आइडियाज़ वगैरह फिर वो मेरे जहन में एक चीज़ डेवलप होती गई। मैं कहा यार ये कोई मज़े की चीज़ है जो मेरे वालिद साहब खुद भी कर रहे हैं। तो फिर मैंने अब्बू को मैंने कहा कि मैं क्या मुझे भी सीखना है, तो अब्बू ने कहा कि ये तो हमारा ख़ानदानी काम है, ये तो अच्छी बात है, अगर कोई शौकिया तौर पर काम करना चाहता हो और वो फिर आगे चल के वो अच्छा भी निकल सकता है। तो यानी मेरी इंस्पिरेशन खुद मेरे वालिद साहब थे, तो जितना कुछ भी उनके पास स्किल्स था जो 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 वो मुझे शेयर कर सके, तो फिर उन्होंने मुझे ये काम भी सिखाया, कुछ मज़ीद टेक्निक भी सिखाई थी। फिर वो जब टेक्निक वगैरह उन्होंने सिखाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अपने प्राइमरी स्कूल और फिर मिडिल क्लास जो हाई स्कूल वगैरह जो भी था वो तो अपने शहर में कर रहा था, साथ साथ फिर मैं ये अपना काम भी कर रहा था। क्योंकि कहते कि बड़े कहते कि जी जितना आप काम सीखोगे वो उतना कम होता है, ठीक है, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि जी आप कितना टाइम देते हैं। यानी अक्सर लोग ये तो कहते हैं कि जी ये मैं काम सीख गया, मैं फने खान हो गया, ये फला फला हो गया, यानी मैं सबसे बड़ा हो गया, मगर इस तरह नहीं होता, क्योंकि इसकी तो कोई बाउंड्री नहीं होती। अब आप इसको टाइम देते जाओ तो उसके बाद भी आप ये बाउंड्री कभी ख़त्म नहीं होती कि आप क्या सीख रहे हो। पर मज़ीद जब आप एकेडमिक लेवल पर आते हो कोई कॉलेज में या किसी को वर्कशॉप कराते हो या किसी को सिखाते हो, तो जाहिर सी बात है वो तो अगले बंदे का अपना ही माइंड होता है, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएटिव चीज़ें वो बनाते रहते हैं ना। तो वो जब वो चीज़ें बनाते तो फिर उससे भी अगला बंदा सीखता है, क्योंकि एक बंदा जब वो उसका अपना जहन होता है, फिर 50 लोगों का जहन जब आपस में मिलके कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर देता है, तो फिर ये इसकी कोई हद भी नहीं होती, बाउंड्री भी नहीं होती। अब आप काम करते जाओ, चीज़ें ख़राब भी करो, फिर ख़राब करने से भी आप सीखते भी हो, ये भी होता है। चीज़ें ख़राब करने के बाद जब आपको पता होता है कि आप रियलाइज़ करते हो कि जी यार ये मैं इस वजह से जो है ये काम मेरा ख़राब हुआ, मैं इसको मैं मज़ीद और स्टडी करता हूँ, तो ये अच्छा होता है कि अब डिपेंड करता है अगले बंदे के ऊपर वो किस तरह उसको लेके जाता है। ऐसे में ये होता है कि हम छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज वगैरह भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उस शॉर्ट कोर्सेज में जैसे सब खुद एक महीने की कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम हो, अगर किसी ने इंटर्नशिप करनी हो, किसी को इंटरेस्ट हो कि जी मुझे काम करना, तो वो भी एक अल्टरनेट तरीका होता है। और अगर कोई जैसे बच्चे कोई एजुकेशन में नहीं और वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते जिनको परमिशन नहीं है बाहर निकलने की, अब उसको भी शौक है जी मुझे ये काम सीखना है, तो उसका एक और तरीका थे हम एक ऐसी वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें पेरेंट्स विथ चाइल्ड, ठीक है ना, पेरेंट्स विथ चाइल्ड। उसमें ये होगा कि एक तो पेरेंट्स की सपोर्ट भी मिल जाएगी उसको, क्योंकि बच्ची हमारी या बच्चा हमारा काम कर रहा है, और प्लस में पेरेंट्स जो निकले नहीं हैं उनको भी एक चीज़ का इल्म हो जाएगा कि यार ये वाकई बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, हमने काम का हमने अपने बच्चों को हमने अपने घर तक ही महदूद रखा हुआ, क्यों ना इनको ये फ़न की चीज़ें वगैरह इस तरह की चीज़ें सिखाया करें। तो ये भी है, ये भी हम कर सकते। और दूसरा ये कि हम जैसे छोटे छोटे गाँव होते वहाँ पर तो स्कूल्स वगैरह होते हो ना,
तो वहाँ पे हम छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चों का माइंड काफ़ी फ्रेश होता है, मट्टी के साथ जब भी खेलते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते रहते हैं। ऐसी कोई चीज़ हमने खुद भी नहीं बनाई, क्योंकि बड़ा भी बंदा नहीं बना था जितने वो छोटे बच्चे जो काम करते, क्योंकि फ्रेश माइंड होता है। तो स्कूल्स भी है हमारे पास, एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी जाके हम वर्कशॉप करा सकते हैं। तो फिर वो जाके वो फैलता जाएगा ना अपना आर्ट। जो मैसेज मैं तो सिर्फ उनको ये देना चाहूँगा कि अपने आप को आपके ऊपर अगर आप ट्रस्ट करते हो और आपको लगता है कि जी ये मैं इन फ्यूचर में एज ए बींग आर्टिस्ट या बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, तो उसके लिए सिर्फ मैसेज में ये देना चाहता हूँ कि अपने आप पर ट्रस्ट करो और अपना टाइम कभी भी वेस्ट ना किया करो। अगर कोई सीनियर या कोई टीचर है आपको सिखाता हो तो आप उनके साथ अपने जो माइंड जो आपके जो आइडियाज वगैरह वो शेयर भी किया करो। और शेयर करने से ये होगा कि जब दो माइंड आपस में मिल जाएंगे ना तो फिर कोई ना कोई चीज़ एक नई प्रोड्यूस हो जाती है। तो यानी कि टाइम वेस्ट ना करें, कि अपना जितना भी काम कर सके, हिम्मत ना हारे। ये होता है अक्सर, ये होता है कोई भी आर्टिस्ट होता है कहते यार मेरी कोई चीज़ सेल नहीं होती, यार ये मेरी चीज़ बना दी बड़ी काफ़ी ख़राब होगी, तो उसमें दिल भी टूट जाता है इंसान का, क्योंकि ये तो हिस्सा है टूटना और आगे नहीं जा रही हो चीज़ें वगैरह। और अक्सर तो लोग तो यही कहते हैं यार फलाने फील्ड में किसी का तो स्कोप ही नहीं है। स्कोप किसी चीज़ का नहीं होता, आपने खुद ही बनाना होता है। आपके ऊपर अगर आप में पोटेंशियल है और आपको लगता है कि जी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसको आगे लेके जा सकती हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हो और कितनी मेहनत करते हो। सर स्ट्रगल आपको ही करनी है। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कही कि एक आर्टिस्ट को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलकर, और आपका काम भी हमने देखा माशाल्लाह से, काम बहुत अच्छा है आपका। इंस्पायर करेंगे आप इंशाल्लाह इस वीडियो से किसी और के थ्रू जब ये मैसेज जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो सर की डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हो गई है, तो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वैसे मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन आज मैंने बोल दिया ना, क्योंकि मैं आपका जूनियर हूँ और मैं माइंड का प्रोडक्शन डायरेक्टर हूँ, जो आप सबको पता होगा। मिल चांडियो फ्रॉम हैदराबाद। अब बोलें बस, यही कट कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। स्टार्ट कर दूं? ओके। डॉक्यूमेंट्री यार बना ली आपने? जी बना ली यार। सब आर्टिस्ट पे बना रहे हो आप, आमिर मल्ला हमारा इतना बड़ा आर्टिस्ट है, इस पे कब बनाओगे? आमिर मल्ला आर्टिस्ट है बोलते हैं यार। नहीं यार, मुझे नहीं पता था। एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाए, बड़ा तवील सफर है इसका मुंजो धड़े से। आप रणवीर सिंह तो नहीं, सिम्बा वाले? ये वाला ना ये लग रहा है ना, ये भाई सिम्बा लग रहा है यार, इसकी डॉक्यूमेंट्री। चले हम कोशिश करेंगे। उधर से लो कैमरा, से लो ये बैग, मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजम्मिल चांदो फ्रॉम व्लॉग कर रहा हूँ एनसीए से, और एक बंदा आ रहा है सर हसन काशी के स्टूडियो में। सो आप अब देख रहे हैं, मैं एनसीए लाहौर से। क्या बोलता है तू वैसे? कितना बोलता है तू वैसे यार? स्टार्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजम्मिल चांडियो हैदराबाद से एनसीए। और आप देख रहे हैं जियो न्यूज। और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। जियो न्यूज़ ये फरमान खान ब्लॉग है जो आप देखेंगे अब सेरामिक्स पे, एक सर हसन काशी करके ब्लॉग में। सो तुमने फिर आवाज़ बनाई ना, मैं तुम्हें मना करता हूँ ना, आवाज़ नहीं बनाओ। कौन सी आवाज़ नहीं बनाओ? फरमान भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्यूमेंट्री बट सीन, ब्लॉगिंग में सीन होता है, डॉक्यूमेंट्री में सीन नहीं होता।
तो बात यह है कि गर्मी कुछ ज़्यादा है, तो अल्लाह करे सर जल्दी आ जाए तो कुछ ज़्यादा ही है तो अल्लाह करे सर जल्दी आ जाए तो आज हम जल्दी से उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और आपको दिखाएंगे।